नमस्कार एवरीवन, हम आ चुके हैं अभी ऋषिकेश, बस पहुंचने वाले हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी पर चल रहे हैं। मेरे साथ है मेरा मित्र गुर्री। हेलो फ्रेंड्स। और पीछे वही पीछे कमीना। टोल टैक्स नहीं लगा। हाँ, पिछली बार 1100 रुपए टोल टैक्स लगा था। हिमाचल गए थे, गोवा गए थे तब 2700 रुपए लगा था। पहले सिक्किम भी गए थे, वहाँ भी लगा था, लेकिन उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पे आए हुए हैं। सिंगल टैक्स नहीं आया। ये उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया। देखिए आपको गाड़ी के, ये देखिए बाइक वाले कितने मजे ले। और ये है नदी अलकनंदा जो अभी गंगा बन गई है ऋषिकेश में आके। पहले इसमें बहुत सी नदी संगम होता है। तो देखिए बहुत अच्छा मौसम बना दिया, अभी गर्मी हो गई थी थोड़ी। तो अभी हम पहुंचे हैं ऋषिकेश। देखिए आज हम पहुंचे हैं देवप्रयाग। यहाँ पर दो नदियों का संगम है। ये एक पवित्र मंदिर है, ये है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है। ये मेरे समर गए, ये मेरे मित्र है गुर्री और सुमित। ये भगीरथी है जो उत्तरकाशी से निकलती है। मिट्टी जैसा रंग है इसका, और इसका बिल्कुल साफ पानी है। और ये दोनों नदियों का संगम है। नामुमकिन बिल्कुल नहीं, पंप नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए गहरी घाटी दिखाता हूँ मैं आपको।
4000 मीटर की ऊंचाई पे आ चुके हैं अभी हम, और दिखाता हूँ मैं आपको घाटी। बद्रीनाथ मंदिर, ये मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज्यादा रश होता है यहाँ पर। ये मेरे प्रिय मित्र गुर्री बहुत गाड़ी चला के थक चुके हैं। ये देखिए ये मंदिर है, ये भीड़ देखिए, यहाँ से आने का रास्ता है। बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने है, ये दिखा रहे हैं आपको प्रिय मित्र गुर्री और समेत नैन, दर्शन करके ही जाएंगे हम। लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है, कतार लगी हुई है। देखिए भीड़ में दर्शन कर दिखा सकता हूँ मैं आपको कितने भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। देखिए ये लाइन लगी हुई है पीछे हमारे, ये मंदिर है जो बद्री विशाल मंदिर, मैं आपको दिखा। ये देखिए अब बद्री मंदिर के सामने अभी दर्शन करने वाले ही हैं। हमने आखिर शॉर्टकट वगैरह यूज करके पहुंच ही गए। देखिए ये मेरे प्रिय मित्र गुर्री बद्री के सामने, दिखाता हूँ मैं आपको लाइनिंग, दिखाता हूँ ये है मंदिर। जय बद्री। ये देखिए ग्लेशियर, ये भीड़ है, ये मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। देखिए अब हम आए हैं बद्रीनाथ मंदिर के अंदर। ये अंदर का व्यू है, ये मंदिर है जो इसके अंदर है। ये देखिए और ये मंदिर है, इसके अंदर बद्रीनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है। देखिए अब हम लोग बद्रीनाथ ग्लेशियर के सामने खड़े हैं। यहाँ पर प्रकृति का तो नजारा बहुत, बूंदाबांदी हर टाइम रहती है यहाँ पर। बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, 24 आवर्स यहाँ बूंदाबांदी हल्की हल्की होती रहती है। ये देखिए यहाँ के मैं आपको दिखाता हूँ, ये यही इसी ग्लेशियर के सामने बिल्कुल बद्रीनाथ का मंदिर है। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको झरना, ये झरना काफी ऊंचाई से गिर रहा है। देखिए इस समय हम बद्रीनाथ की पूजा करके दर्शन करके अभी ट्रैकिंग पे चल रहे हैं। ये हम पहाड़ी की चोटी तो नहीं कह सकते, शुरुआत ही की है, छोटी पहाड़ी की चोटी पे आए हुए हैं। यहाँ से दिख रहा है पूरा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से देख सकते हैं आप, बद्रीनाथ को देख सकते हो। ये झरना है, ये अलकनंदा नदी जा रही है और ये बद्रीनाथ, पूरा बद्रीनाथ यही है। ये मंदिर है जो दर्शन के लिए आप देख सकते हो, लेकिन
बद्रीनाथ के जो होटल घर है वो सब, ये छोटा है इलाका, कस्बा ही है ना, सर्दियों में 6 महीने के थक जाते हैं। यहाँ आप ग्लेशियर देख सकते हो बद्रीनाथ के बिल्कुल, ये देख सकते हो सामने ही है मंदिर के पीछे। ये मेरा मित्र गुर्री और समित, अब हम जा रहे हैं वहाँ उस चोटी पे, वो है करीबन 5,500 मीटर। सांस लेने में तकलीफ, इसलिए रुक रुक के जाना पड़ रहा है। इस झरने पे गए थे, अभी दोबारा आते हुए फिर इस झरने पे जाएंगे। वो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है लाल और सफ़ेद रंग का झंडा, वहाँ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे हम लोग। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है इधर। तो आप देख सकते हो अलकनंदा नदी, ठंडी हवा चल रही है, मेरे बालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं, बर्फ लगी हुई इसलिए ठंडा तो हो गया। इन्होंने नीचे देखी है, हाँ इनर पहने हुए, मैंने नीचे पहने हुए। ये अगर आप सोच रहे हैं तो इन्होंने पक्षियों ने कोट पहना और ये अकेली शर्त में है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन्होंने इनर पहनना है। मेरे पास कोट नहीं था, घर बुलाया मैं कोट। ये गरीब आदमी है, ये गरीब पटवारी है, इसके पास कोट नहीं था। ईमानदार पटवारी बोल सकते हो आप, गरीब नहीं बोल सकते। देखिए ये मंदिर की भीड़ आप देख सकते हो, सुमित के से के पास, हाँ, सुमित वही देख रहे हैं, सुमित सर हमारे मंदिर के पास ही, जहाँ मैथ टीचर, हाँ मैथ टीचर, मैथ और साइंस टीचर है। भीड़ काफी ज्यादा थी, हमने सोचा एक बार तो ये सोचा कि दर्शन करें या ना करें, नहीं लेकिन करके आए हमने ना, दृढ़ इच्छा, सुमित की दृढ़ इच्छा थी। लेकिन आपको पता, लेकिन हमारे पीछे तो हमारे सुमित, मेरे गुरमित के पीछे आप एक ग्लेशियर देख सकते हो, देख मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो रात को जम जाता है बिल्कुल। तो भाई अभी हम ट्रैकिंग पे स्टार्ट करते हैं, लेकर बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ, घूमे फिरे बद्रीनाथ। ये हम बद्रीनाथ में ट्रैक करके आए हैं यहाँ पे। आप तो ये मेरे मित्र, मेरे बुआ के लड़के, बुआ जी के लड़के और मेरे दोस्त पीछे, वो पीछे नवदीप मोर है। हम आपको, हम इस, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तर, इस छोटी इस पगडंडी से, पगडंडी तो नहीं बोल सकते इसको, इस पे से ट्रैकिंग करके आए हैं हम। ये नवदीप मोर देख सकते हैं आप कैसे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको व्यू क्या क्या है यहाँ पर, ये देखिए व्यू, अभी हम आपको नदी का फ्लो दिखाएंगे, एक छोटे से ब्रिज से गुजर रहे हैं। चलते चलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप यहाँ पर। ये दो 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 पे ना बेटा, वो इतने भैरव सारे लगता है, के बुला के जा लो। अभी हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं मेरे मित्र गुर्री के साथ, देखते हैं कैसी चढ़ाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई ऊंचाई, चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं।
ये पगडंडियाँ बनी हुई है, इनकी रेस में चलते हैं, है तो रिस्की। लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको पीछे का व्यू, ये देखिए कैंप भी लगे हुए यहाँ पर। मिलते हैं बाद में, बाय। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम हेमकुंड साहब के बिल्कुल नज़दीक है, वो जो यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कुछ श्रद्धालु। वीर जी किदां दा एक्सपीरियंस रहा चढ़ाई दा? धार्मिक ताकत ही है जिहड़ी खिच के लिआई इत्थे तक। बर्फ देखो वीर, बर्फ देखो कितनी ज्यादा पड़ी हुई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे के पहाड़, और यहाँ हम चढ़ाई करते आ रहे हैं। देखिए अब हम पहुंचे हैं हेमकुंड ग्लेशियर, आप देख सकते हैं यहाँ से बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, एक एक बंदा करके आगे जाता है। और ये मेरे दोस्त पालकी वाले पर्यटक की सारे हेमकुंड के श्रद्धालु हैं। आप पीछे देख सकते हो बर्फ, हमारे यहाँ पर मौसम कितना ठंडा होगा देख सकते हो आप। पानी की बोतल, ये हमने पानी की बोतल बाहर रखी हुई उठाई थी, साढ़े नौ। चल देखते हैं, किसी दूसरे टूरिस्ट का भी एक्सपीरियंस शेयर करिए ना। नहीं बिल्कुल करेंगे आगे जरूर। मित्र हमारे खड़े हैं, पूछिए किसी से कैसा देखिए। यहाँ फोटोग्राफी हो रही है अभी। ये बर्फ के ऊपर से कट बनाए हुए, अभी ग्लेशियर शुरू हुआ है हेमकुंड साहिब का। आ जाओ यहाँ, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इस साइड मौसम बर्फ दिखाइए कितनी अच्छी अच्छी बर्फ है देख सकते हो आप। Back. ये बर्फ पड़ी है, स्नोफॉल हुआ हुआ है, देखते हैं कुछ। ये मेरे प्रिय मित्र गुरी जो हमारी कंपनी के, चलते हैं मौसम। लेट्स गो फॉर बर्फ वाला ग्लेशियर स्नो राइडिंग। काफी सर्दी है, काफी सर्दी पड़ रही है, -2 या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया यहाँ पर। माइनस में भी कितनी ठंड लगी है। जो देखते साइन बोर्ड, उसने काफी अच्छा काम किया है, श्रद्धालु लगे हुए बर्फ हटाने के लिए। देखिए ये वाटरफॉल का पानी दिखाना सर इनको एक बार का, रिवर्स कैमरा करके देखते हैं हम। यहाँ वाटरफॉल गिरा हुआ है, यहाँ बर्फ डायरेक्ट बर्फ जमी, ये देखिए यहाँ पानी किस तरह बर्फ के नीचे जा रहा है। सर्दी के कारण श्रद्धालु टोपियों की मांग करते हुए, देखिए मैं दिखाता हूँ ये बर्फ। ये मेरे प्रिय हो गए, ये गिल लिखा मैंने, ये गिल गिल लिखा यहाँ। ग्लेशियर शुरू हो गया, देखिए ऊपर भी बर्फ जम गई। ग्लेशियर दिखाता हूँ मैं आपको, ये पापा करने में मुश्किल हो गई इसको। ये बाजू पे बर्फ गिर चुकी है, बहुत ज्यादा सर्दी है। एक एक करके चला जा रहा है यहाँ पर। ये आपको दिखाई देता हूँ, ये मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, और ये आप देख सकते हैं बर्फ कितनी ऊपर है मेरे से। हाइट मेरी 6 फुट के करीब है, और आप ऊपर देख सकते हो बर्फ मेरे से कितनी ऊंची है, और इसलिए आगे इससे भी ज्यादा ऊंची बर्फ है। देखते हैं अभी ग्लेशियर शुरू, वो देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कितना शाइन कर रही है बर्फ वहाँ पे, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं और वहाँ पे कितना शाइन कर रहा है। ये मेरे श्रद्धालु दोस्त चढ़ाए, सर कैसा एक्सपीरियंस है? हम तो रोज रोज चढ़ते हो, इनसे पूछते हैं किसी आगे वाले आने वाले सदस्य। बाकी देखिए पीछे ग्लेशियर किस तरह शाइन कर रहा है, ये हिमालयन की स्नो वाली रेंज आ गई है। वाहेगुरु, ये देख, एक ये देखिए कितने बाबा जी हमारे से बात करें। सत श्री अकाल बाबा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? बढ़िया, पहली बार आए हो? पहली बार।
अच्छा हम चार बार आए। अच्छा रेगुलर। चलो बहुत बढ़िया सर, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ये देखिए ये काफी है, छोटे छोटे बच्चे भी जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है उन्हें। इनसे देखो इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हाँ ये करीब 15 फीट के करीब है बर्फ। हाँ 15। देखिए एक ही करके किस तरह आगे जाया जा चुका है। ये देखिए ये मेरे मित्र गुर्री। ये देखिए सर ये मैं आपको दिखाता हूँ बर्फ उठाने की बिना डंडियों के, बिना डंडियों के यहाँ नहीं जाया जाएगा। ये देखिए इनकी मेहनत देखिए सर, आप कैसे पौड़ियाँ बनाई, कैसे सीढ़ियाँ बनाई थी यहाँ पर, देखिए किस तरह। अब हमारा जो सफर था थकावट वाला नहीं एडवेंचर वाला हो चुका है। अब ये ग्लेशियर हेमकुंड ग्लेशियर शुरू। ये सर इनको दिखाइए ये जो वर्क कर रहे हैं, ये बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल सदस्य। ये मोर साहब चढ़ाई करेंगे बर्फ के ऊपर सीढ़ियों से। सर आप आ रहे हो वहाँ से वापिस आ रहे हो सर आप? काफी मेहनत की होगी इन्होंने, 3:30-4 बजे उठकर चले होंगे तभी अभी आ रहे हैं ये। आराम से भाई आराम से सर, वन बाय वन चलेंगे यहाँ, वन बाय वन ही जा सकते हैं सर, वहाँ से गिरने का खतरा। ऊपर चढ़ने में बर्फ में दिक्कत नहीं है लेकिन उतरते वक्त पैर फिसलने का बहुत खतरा है। देखिए यहाँ से हेमकुंड साहिब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम रिलैक्स ले रहे हैं, रिलैक्स करते हुए मेरे प्रिय मित्र सुमित नैन। और देखिए यहाँ की हालत देखिए श्रद्धालुओं की, मन में जज्बा है जाने का फिर भी जा रहे हैं। और ये मेरा मित्र गुर्री अभी रिलैक्स लेते हुए दस के वहाँ जाएंगे। मैं आपको सीनरी दिखा देता हूँ, यह सिर्फ ग्लेशियर ही है, आपको कुछ नहीं। मोर का चेहरा भी दिखाई देगा, ग्लेशियर हर तरफ ग्लेशियर है यहाँ, कहीं भी घुमा के देख लो आप, बर्फीले पड़ रहा आपको, यहाँ कोई रास्ता नहीं रहता। जड़ में मोर, हम जड़ में पहुँच गए, जड़ में पहुँचे हम। तेंजिंग हार ना रहे हो, लेरी क्लिंटन की तरह लग रहे हैं ये जो पहली बार एवरेस्ट गए थे, ड्रेस वही है फोटो में आती है जो माउंटेन, ये क्या प्रोफेशनल माउंटेनर लग रहे हैं अपनी ड्रेस में। देखिए श्रद्धालु चलते हुए यहाँ बोल रहे हैं 1200 के करीब सीढ़ियां हैं, देख सकते हो आप श्रद्धालु जा रहे हैं।
है, बर्फ देखो वीर। हाँ जब चित्थों उत्थे हो रहे जेड़ा लास्ट च झरना जाया सी ना उस तो बाद ग्लेशियर तो वधिया है। बर्फ देखो कितनी ज्यादा पड़ी हुई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे के पहाड़, और यहाँ हम चढ़ाई करके आ रहे हैं। देखिए अब हम आप पहुंचे हैं हेमकुंड तालाब में, यहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए तैयार हैं। और ये रहा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, यहाँ सारा बर्फबारी है देख सकते हैं आप, पहाड़ी चोटियां। ये मेरे प्रिय मित्र भी वीडियो बनाते हुए, कैसा रहा दोस्तों आपका? बहुत बढ़िया रहा सफर भैया, बहुत पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं भैया। देखिए खुशी का माहौल बना हुआ है, सभी श्रद्धालु उत्सुक है। देखिए यहाँ चोटियां स्थान साहिब लगे ऊपर, देखिए ये रहा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। अभी 12 बजे अरदास शुरू हो गया, यहाँ पर हम उसका भी लुत्फ उठाएंगे, लंगर की भी सेवा करेंगे। और यहाँ लाठी वाले भी आए हुए हैं। अभी हम नहाने की तैयारी में हैं, ये बर्फ जमी हुई है, बस 2 महीने ही खुला रहता है ये, लेकिन इस पूरे तालाब में आप देख सकते हो बर्फ जमी हुई है। रात को तो ये पूरा बर्फीला हो जाता है, नहाने के लिए बस थोड़ा बहुत ही जगह है यहाँ पर, उसके नीचे ही बर्फ जमी हुई है। और बहुत बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी, आप अंदाजा लगा सकते हो, इनका हिम्मत देख सकते हो आप श्रद्धालुओं की, क्या कितनी हिम्मत है। देखिए ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, वो ग्लेशियर। अब मैं भी नहाने की तैयारी में, पता नहीं कैसा पानी है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। Yeah।
देखिए अभी नाके आ चुके हैं, वीडियो बनाने वाले जी नाके आ चुके। काफी ठंडा पानी था, काफी एक्सपीरियंस मिला यार। वो तो अभी भी ठंड लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ये गुरुद्वारा है यहाँ पर हेमकुंड साहिब, और ये देखिए आप झील देखिए, ये जमी हुई है बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है जो नवदीप मोर, ये सुमित को सोने नहीं दे रहा। आज हम वैल्यू फ्लावर के लिए चढ़ाई करते हुए, कल हमने हेमकुंड साहिब की चढ़ाई की थी, वो इससे का चढ़ाई तो खड़ी थी लेकिन ये ज़्यादा टफ है क्योंकि पत्थर वगैरह गिरने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और यहाँ की आप नंदा देवी पार्क कहते हैं इसको, यहाँ की हरियाली देखिए बिल्कुल खराब है। यहाँ पे रिस्की है क्योंकि पत्थर बस वैसे, यहाँ पे हर जगह लिखा रहता है कि जानवरों वगैरह संभल कर चलें, और कभी भी भालू बाघ आ सकते हैं, इसलिए हमने डंडियां भी ली हुई है, दिखा देख सकते हैं। और स्नेक वगैरह काफी स्नेक है यहाँ पे, स्नेक तो हर टाइम मिलते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन अब हम आगे जाएंगे और दिखाएंगे आपको फूल की वैरायटी, फ्लावर्स। इसका नाम ही वैल्यू ऑफ फ्लावर्स है। देखिए ट्रैक देखिए आप कितना रिस्की है ये, वो मेरे एक मित्र हाथ हिलाते हुए सुमित नैन, ये मेरा मित्र सुमित, ये देखिए नीचे से, ये हमसे काफी पीछे थे लेकिन हमारे साथ आ गए हैं सुमित। ओके जय हिंद सर। आज हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए, ये आप देख सकते हैं नीचे की घाटी, और ये देखिए ये रास्ता कैसा है। ये देखिए कहीं कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, ये आप नीचे देख सकते हैं कितनी गहरी खाई। ये एक रहने के लिए जगह बनाई हुई, अगर बारिश वगैरह आ जाए बैठने के लिए, काफी मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता। ये देखिए ग्लेशियर, वो सामने वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ पे अगस्त में ज्यादातर फूल खिलते हैं। अगर यहाँ से कोई मोर साहब, अगर यहाँ से कोई फिसला तो स्लेजिंग करता हुआ वहां जाएगा। ये देखिए ऊपर से बर्फ, कितनी बर्फ है यहाँ पे,
आप अंदाजा लगा सकते हो कितना मुश्किल होगा यहाँ चलना बर्फ के ऊपर से, पैर फिसलने का बहुत ज्यादा डर। ये मेरे पीछे मेरे दोस्त नवदीप सिंह मोर, सुमित नैन आते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को देख पा रहे हैं आप पीछे। और ये मैं गुरमीत सिंह गिल। मोर साहब जाते हुए यहां से फिसल के चले, काफी बर्फ है यहाँ, 8-10 फीट तक बर्फ गिरी हुई है। ये हमने ग्लेशियर को क्रॉस किया। ओके धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको वैली ऑफ फ्लावर। मैं वैली ऑफ फ्लावर पहुंच चुका हूँ। देखिए अब हम आ गए हैं नीचे वैली ऑफ फ्लावर की, फूलों की वैरायटी को देख के। ये मेरे नीचे वापस मेरे प्रिय मित्र सुमित। हेलो कैसे हो? तो आप देख सकते हैं कैसी चढ़ाई थी, कैसा बहुत डिफिकल्ट अनुभव रहा हमारा। एडवेंचर चीज है ये वैली ऑफ फ्लावर। ये पीछे झरना देख सकते हैं, इसकी गति को सुन सकते हैं आप, आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, इसकी गति को महसूस किए दूर से ही। ये चोपड़ा ग्लेशियर, ये जंगल, इन्हीं से गुजर के हम वैली ऑफ फ्लावर में गए थे। यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ब्रिज देख सकते हैं आप। तो सुमित सर क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रैकिंग के बारे में, कितनी डिफिकल्ट लगी आपको? नहीं सही, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बता दूं, अगर आप कभी यहाँ पर आओ तो कभी भी प्रकृति को चैलेंज ना करें। हाँ बिल्कुल ठीक, पर जैसा है उसके हिसाब से चलते रहें, कभी शॉर्टकट्स अपनाने के ना सोचें, क्योंकि उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ सकता है, मौत ही है, महंगा बहुत हो सकता है, जान का जोखिम लगा के शॉर्टकट अपना रहे हैं। तो लेकिन आराम से आए, धीरे धीरे चले ऊपर की तरफ, और जो प्रकृति का नजारा है वो अनुभव करके उठाए, लेकिन लिमिट में। लिमिट सरकार ने यहाँ पगडंडिया बना रखी है, ब्रिज बना रखे हैं, झरने के ऊपर को थोड़ी बहुत पगडंडिया ब्रिज सब कुछ बना रखा, फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन उन्हीं का प्रयोग करें, शॉर्टकट हमेशा जान जोखिम में डालता है। आप इस नदी का भाव देखिए, अलकनंदा नदी में जाके मिलता है ये ज्योति मठ में। तो आप हाँ, ये एक चोपड़ा ग्लेशियर है, यहाँ से फूलोई घाटी की जड़ में है बिल्कुल, तो वहीं से ये झरना बनता है, वहीं से नदी बनती है, ये आप देख सकते हैं। हम चले थे सुबह करीबन 8 बजे और 1.5 घंटे में पहुंचे, 1.5-2 घंटा वहां रहे और अभी आ गए हैं। तो आप देख सकते हो मेरे साथ एक और फ्रेंड है, वो पीछे रह गया, गुरमीत गिल। हम उसी का वेट कर रहे हैं, वो
थोड़ा स्लो है, तो अभी देखो कितनी देर में वापिस लौटता है इस, और हम इतनी देर में इन झरनों का, इस नदी का लुत्फ उठाते हुए, आप ये जंगलों की ऊंचाई देखिए, यहीं से गुजर के हम वैली ऑफ फ्लावर गए थे, एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। तो भाई मिलते हैं दोस्तों केदारनाथ, भाई मिलते हैं केदारनाथ अगले साल, नहीं अब की बार मजाक कर, अब की बारी चलेंगे, तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड। देखिए अब हम आए हुए हैं ये हेलीपैड पे, यहाँ पर हेलीकॉप्टर निकलते हैं जो काफी अच्छा व्यू देते हैं। ये मेरे मित्र सुमित नैन हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं हम, ये अभी ये आ पहुंचा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अभी ये लैंड, पैदल 5-6 घंटे में तय करेंगे, वो सिर्फ ये 2 मिनट में तय कर चुका है। हाँ लेकिन फीस इसकी 3,000-4,000 के, 80 किलो है वेट के अनुसार भी इसका रेंट है। देखिए अभी ये लैंड करेगा, ये काफी मजे लेकर इस हेलीकॉप्टर को उतारता है। देखिए अभी ये लैंड करने वाला है, एक बार में आपको दिखा दें कितने श्रद्धालु आ सकते हैं कितने नहीं। अभी लैंड करने वाला है ये, यहाँ तक हवा आ रही है। अभी देखिए कितने बंदों को अपने साथ लेके आते हैं ये, पेज टेक ऑफ करते हुए चार पांच मिनट में ही ले आता है, यहाँ आने से में 5-6 घंटे लगते हैं। देख सकते हैं यहाँ बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ से होके जाएंगे आगे गांगरिया, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसके बाद हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर जा सकते हैं। श्रद्धालु पैदल भी आते हुए आप देख सकते हो। चलिए हाँ हम देखते करते हैं, हम अपना पैदल ही करेंगे। तो ये मेरे मित्र सुमित नैन, कैसा लगा आपको हेलीकॉप्टर व्यू देख के सर? बहुत मजा आया देखने में। सुमित काफी एक्टिव है, ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे पहले, इनमें स्टेमिना बहुत है, अच्छे फिटनेस है इनकी, तो अब तो ये टीचिंग करते हैं, खैर अध्यापक बन गए हैं, उसमें भी अच्छा नाम कमा रहे हैं ये। तो कैमरा हैंड ओवर टू मिस्टर सुमित नैन। आप चोटियों को भी देख सकते हो, यहाँ के व्यू को देख सकते हो, काफी ऊंचाई पर रात को यहाँ स्नोफॉल होता ही रहता है और मौसम बदल रहा है, तो हम अब यही है कि हम अपना सफर तय करते हैं, हम चलने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, आके शेयर करेंगे आपको, गुड बाय।